हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जो वीडियो करने वाली हूँ बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है फ्रॉम यू ऑल, एंड दिस इज वेयर आई एम गोइंग टू रिव्यू दिस स्ट्रेटनर फ्रॉम आइकॉनिक विच इज प्रो स्ट्रेट। तो मैं इसका डेमो भी करके दिखाऊंगी और मेरे हिसाब से जो इसके रिव्यूज है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, देन यू कैन मेक योर परचेजिंग डिसीजन। सो लेट्स गेट डायरेक्टली इनटू इट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज द पैकेजिंग, 360 डिग्री घूमने वाला ये टैंगल फ्री कॉर्ड है और इसकी लंबाई 9 फिट होगी। और जो इसका ये पिन है वो काफी नॉर्मल यूजुअल पिन है हमारा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तरह का लॉक दिया हुआ है, इसे मैंने ओपन किया। यू कैन सी इसके साथ भी एलईडी टेम्परेचर कंट्रोल दिया हुआ है और इसका सबसे कम जो डिग्री है वो है 150 डिग्री एंड इट कैन हीट अप टू 230 डिग्री। दिस इज द बटन जिससे आप ये चालू करोगे और टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करने के बटन है ये। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी प्लेट्स। इसकी जो प्लेट्स हैं दैट इज मेड अप ऑफ टॉर्मलाइन कोटेड सेरामिक और जो इसकी चौड़ाई है वो आइकॉनिक रोज गोल्ड ग्लीम स्ट्रेटनर से थोड़ी ज्यादा है और लंबाई भी ज्यादा है। और जो इसकी आप इसका पैटर्न देखोगे ये भी बिल्कुल गोल सा पैटर्न है, यानी आप इसे मल्टीपल पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, यानी कर्लिंग के लिए भी कर सकते हो। और ये भी 1 ईयर की वारंटी के साथ आता है। इसका MRP 5250 रुपीज का है पर करंटली आइकॉनिक की वेबसाइट पे 20% ऑफ चल रहा है, तो आपको करीब 4200 रुपए का ये स्ट्रेटनर मिल जाएगा अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो। एंड वन मोर थिंग, ये 1 घंटे में ऑटो शट हो जाता है जस्ट लाइक द प्रीवियस स्ट्रेटनर विच आई हैव टॉक्ड अबाउट। तो अब मैं इसे अपने बालों पर यूज करूंगी और आप लोगों को इसका रिजल्ट यहीं पर बताऊंगी। एंड लास्ट में हम बात करेंगे इसका एक मिनी कंपैरिजन विद द रोज गोल्ड ग्लीम स्ट्रेटनर, ताकि आपको एक आइडिया है दोनों में से बेटर कौन सा है इन केस यू वांट टू परचेज। सो बिफोर स्टार्टिंग विद दैट, सबसे पहले मैं अपने बालों पर ये हेयर प्रोटेक्टिंग मिस्ट का इस्तेमाल करूंगी एंड देन आई विल सेक्शन माई हेयर और एक छोटा सा स्ट्रैंड निकाल करके पहले आपको उस पर दिखा देती हूँ। लॉरेंजा का हेयर प्रोटेक्टिंग मिस्ट मैं यूज करती हूँ। ये छोटा सा सेक्शन निकाला है मैंने एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्विच इट ऑन। तो बाय डिफॉल्ट ये सबसे लोएस्ट टेम्परेचर पे है, दैट इज 150 डिग्री, लेकिन मैं आपको ऑब्वियसली सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर पर यूज करके बताऊंगी सो दैट यू हैव फेयर आइडिया ऑफ इट्स कैपेबिलिटीज। तो डेफिनेटली ये बहुत जल्दी हीट अप हो जाता है, जैसे कि आइकॉनिक का ग्लीम रोज गोल्ड स्ट्रेटनर भी हो जाता है। सो हियर इज द डिफरेंस बिटवीन माय नॉर्मल हेयर एंड द वन विच आई हैव ऑलरेडी स्ट्रेटनड। नाउ टू कंपेयर बिटवीन टू स्ट्रेटनर्स, आई थिंक आई शुड यूज द अदर स्ट्रेटनर ऑन दिस साइड, देन वी विल बी एबल टू सी द डिफरेंस क्लियरली। एंड आई एम डन। तो ये साइड जो है मेरी ग्लीम रोज गोल्ड स्ट्रेटनर की है, सो यू ऑल कैन सी द डिफरेंस बाय योरसेल्फ। तो मैंने कुछ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस जॉट डाउन किए हैं जो मैं आपको रीड आउट करके बताऊंगी। ये दोनों ही स्ट्रेटनर 1 ईयर की वारंटी के साथ आते हैं, दोनों में एलईडी टेम्परेचर कंट्रोल है, दोनों ही शाइनियर्स एंड स्मूथ टेक्सचर देते हैं बालों को एंड फ्रिजी हेयर्स के लिए हैं दोनों, एंड दोनों ही क्विकली हीट अप हो जाते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द डिफरेंसेस। सबसे पहला डिफरेंस है प्राइस का। तो जो प्रो स्ट्रेट है उसका प्राइस है 5250 रुपीज, जो अभी फिलहाल आपको डिस्काउंट में 4200 का मिलेगा, और जो ग्लीम रोज गोल्ड है उसका MRP है 7500 रुपीज और उस पर भी 20% ऑफ है विच यू विल गेट फॉर 6000 रुपीज। जो मिनिमम टेम्परेचर है वो प्रो स्ट्रेट का है 150 डिग्री सेल्सियस और ग्लीम रोज गोल्ड का है 130 डिग्री सेल्सियस। अब अगर मैं इनकी प्लेट्स की बात करूं तो प्रो स्ट्रेट जो है वो बना हुआ है टॉर्मलाइन कोटेड सिरामिक का और जो ग्लीम रोज गोल्ड स्ट्रेटनर है वो है टाइटेनियम प्लेट्स का।
और प्लेट्स की जो चौड़ाई और लंबाई है उस हिसाब से जो प्रो स्ट्रेटनर है उसकी चौड़ाई लंबाई दोनों ज़्यादा है कंपेयर टू द ग्लीम रोज गोल्ड। एंड प्रो स्ट्रेट के अंदर आपको एक लॉक मिलता है जो आपको ग्लीम में नहीं मिलेगा, और ग्लीम में आपको एक पाउच मिलता है स्ट्रेटनर को रखने का जो आपको प्रो स्ट्रेट के अंदर नहीं मिलेगा। अब ये थे कुछ डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज जो काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस हैं। अब मैं बात करूँगी डिफरेंसेस की जो मुझे लग रहे हैं आफ्टर यूजिंग बोथ ऑफ देम। तो प्रो साइड पे जो मेरा बाल है वो थोड़ा सा फूल गया है और बालों में थोड़ी एक्स्ट्रा वॉल्यूम दिख रही है कंपेयर टू द ग्लीम रोज गोल्ड वन। ये थोड़ा ज़्यादा स्लीक और शाइनी ज़्यादा लग रहा है मुझे कंपेयर टू दिस वन। और जो इनका टच है हाथों में जो फील आ रहा है ये वाला ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ लग रहा है कंपेयर टू दिस वन। सो इन माई ओपिनियन मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद है बिकॉज इट्स वेरी शाइनी एंड स्मूथ, इतना डेड नहीं लग रहा है। और ये वाला जो है थोड़ा सा रफ लग रहा है कंपैरेटिवली, अदरवाइज तो अच्छा ही है बाकी स्ट्रेटनर्स के मुताबिक। पर अगर आपको बालों में वॉल्यूम भी चाहिए तो ये वाला बेटर होगा क्योंकि इससे मेरे बालों में विजिबल वॉल्यूम आई है। अब क्योंकि आइकॉनिक के ही इतने सारे स्ट्रेटनर्स हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है रिव्यू करना सभी को, मेरे पास सारे नहीं हैं और जो मेरा पर्सनल स्ट्रेटनर मैंने यूज़ किया है मैंने उसी का रिव्यू किया है। बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप अपने हेयर टाइप के हिसाब से स्ट्रेटनर खरीद सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेटनर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखनी है वो होती है उसकी प्लेट्स। तो जो प्लेट्स होती है स्ट्रेटनर की, या तो वो मेजॉरिटी, ये दो कैटेगरी है, एक होता है सिरामिक और दूसरा होता है आपका टाइटेनियम। तो टाइटेनियम स्ट्रेटनर उन लोगों के लिए अच्छे होते हैं जिनके बाल बहुत ही ज़्यादा कर्ली, बहुत ही ज़्यादा नॉट सो मैनेजेबल होते हैं, उनके लिए टाइटेनियम इज़ वेरी गुड क्योंकि टाइटेनियम स्ट्रेटनर्स बहुत जल्दी हीटअप होते हैं और जो उनका ड्यूरेबिलिटी है यानी स्ट्रेटनिंग जो टिकने का ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली, सिरामिक से भी ज़्यादा होता है। तो वो उनके लिए अच्छा है जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वेयर करना चाहते हैं और बाल बहुत ही ज़्यादा कर्ली हैं। लेकिन अगर आपके बाल ऑन द कॉन्ट्ररी इतने भी ज़्यादा कर्ली नहीं है एंड दे आर क्वाइट मैनेजेबल, बस आपको थोड़ी सी उसको स्ट्रेटनिंग देनी है, देन यू शुड गो फॉर सिरामिक, क्योंकि जो सिरामिक स्ट्रेटनर है वो भी क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छे होते हैं बट ऑफकोर्स टाइटेनियम से थोड़े कम होंगे बिकॉज टाइटेनियम का जो यूसेज है वो डिफरेंट टाइप ऑफ हेयर के लिए है। अब सिरामिक के अंदर भी आपको एक मिल जाता है प्योर सिरामिक, एक मिलता है सिरामिक कोटेड और आता है टॉर्मेलाइन सिरामिक। तो जो सिरामिक कोटेड होता है उसमें जो बेस मेटल है वो अलग होगा, उसके ऊपर से सिरामिक कोट किया जाता है, वो सिरामिक जो है थोड़े दिन बाद निकल जाता है, सो इट्स नॉट सो एडवाइजेबल टू गो फॉर दैट। दूसरी बात मैंने बताई आपको प्योर सिरामिक, तो जो प्योर सिरामिक होता है वो नॉर्मल हेयर्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। नाउ आपके जो टाइटेनियम स्ट्रेटनर होते हैं और सिरामिक उसके बीच की अगर आपको एक क्वालिटी जाननी है तो दैट वुड बी टॉर्मेलाइन कोटेड सिरामिक। जो टॉर्मेलाइन कोटेड सिरामिक होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हद तक टाइटेनियम जैसे ही होते हैं बट उतने ज़्यादा क्या कहूँगी मैं, उतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते बाल पर, क्योंकि अगर आपके बाल ज़्यादा भी कर्ली नहीं है तो वो इवेंचुअली आपके बालों को डैमेज कर देगा और आपके बालों में स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो यस, आप लोगों को ये जानना पड़ेगा कि आपके बाल किस टाइप के हैं, उस हिसाब से आप स्ट्रेटनर की जो प्लेट्स है उसकी आप टाइप देख लीजिए, इससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि आपको ये स्ट्रेटनर खरीदना चाहिए या नहीं। एंड यस, दैट्स ऑल अबाउट टुडे एंड आई होप आपको ये रिव्यू और डेमो अच्छा लगा होगा, यूजफुल भी होगा। मेरे पास आइकॉनिक प्रोफेशनल के दूसरे भी अप्लायंसेज हैं जैसे कि टोंग एंड ब्लो ड्रायर्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर वीडियो बना करके आपको उस पर भी रिव्यू और डेमो दिखाऊंगी ऑब्वियसली। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।